मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वनखेड़े ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर दोनों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। क्या कुछ कहना था विपिन वनखेड़े का, देखिए आगर संवाददाता अंकित दुबे की एक खास रिपोर्ट। करें या हम किसान से जुड़े मुद्दों पर बात करें, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो मूलभूत आवश्यकता हमारे क्षेत्र को है, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, फैक्ट्री की बात हो, अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बात हो, गांव-गांव तक सड़कों की बात हो, गांव में पानी की बात हो, गांव में बिजली की बात हो, हम इन सभी मूलभूत समस्याओं को क्षेत्र में ख़त्म करेंगे। हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमा मिले, हमारे किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और मैं हमारे क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे परिवारजन इस चुनाव में वोट सिर्फ उसी को दें जिसके घर का पता मालूम हो। ऐसे प्रत्याशी की ओर देखे भी नहीं जिसके घर का पता भी नहीं मालूम हो, जो 365 दिन की जगह सिर्फ 35 दिन की राजनीति करने के लिए आगर में आते हों, ऐसे लोगों को जनता वोट ना दे, ये मेरी जनता से विनती है। और साथ ही जो अभी पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा तरह तरह की तुच्छ बयानबाजी की गई है, ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर बात है और हम इसकी, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। जिस प्रकार से बंटी ऊंटवाल जी और उनके क्षेत्र के और उनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा हमारे आदरणीय स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जी के लिए ये तक बोल दिया गया कि उनकी हत्या कर दी गई, मैं बोलना चाहता हूँ ये बड़ी बुरी बात है और हम इसकी निंदा करते हैं।